अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम डंडों की सब्ज़ी बना रहे हैं। देखिए ये डंडे हैं, ये डंडों को ऐसा अपन काट लेना। देखिए ये लाल मिर्ची है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये नमक है, ये हल्दी है, ये टमाटर है, ये कोथिंबीर है, ये प्याज है, सादी सी सब्ज़ी रहती है। बता वहाँ पे रख दिया। देखिए गाइस, हमने रख लिया है कढ़ाई चूल्हे पे। देखिए गैस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डालेंगे तेल। देखिए गैस, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। रोटी और डंडे, देखिए गैस अच्छे से प्याज को भून लेना। ये देखिए हमारे प्याज यहाँ पर लाल होते जा रही है। देखिए गैस, प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, इसमें डालेंगे अपन डंडे। देखिए देखिए इसे हमें देखने अच्छे से फ्राई करना। देखिए गैस इसे देखने से अच्छे से फ्राई करते रहना। देखिए इसमें हम अच्छे से भून रहे हैं। देखिए गैस दोनों अच्छे से भून चुके हैं, इसमें डालेंगे अपन टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए गैस इसमें हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी। अच्छे से भून लेना, अदरक की स्मेल तक चलेगा तब उसके बाद में अपन को मिर्ची नमक डाल देना। इससे जिससे मसाले को इनसे भी नजर ना आने वाली सब्जी है। देखिए अब डालेंगे इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च। देखिए गैस अच्छे से होते थे, मैं थोड़ा पानी ऐड करके डंडों को गलने के लिए छोड़ दूंगी।
10 मिनट ढक के लिए पानी ऐड करूँगी। देखिएगा अच्छे से भून चुके हैं, थोड़ा पानी ऐड करना अपने। देखिए अच्छे से मिक्स करके फिर अपन ढकने के लिए रखेंगे। देखिए गैस ये बना रहे हैं हम शलजम का सालन, शलजम बोलते उसको। देखिए इसके लिए मैं तेल लिया इधर बता। देखिए गैस ये है शलजम, शलजम को अपन काट लेके ऐसे रख लिया है टपला के साथ। ठीक है ऐसा रहता है, इसको अपन काट लेके ऐसा करके रख लिया है। इसकी सब्जी बना रही हूँ मैं। देखिए ये ले लिया है तेल, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे अपन प्याज, एक लहसुन भी डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे, बताए इधर। ठीक है शलजम की सब्जी बनाने के लिए है हल्दी है, नमक है, लाल मिर्ची है, धनिया है, ये बोले तो तिल फली का पाउडर है। देखिएगा इसमें थोड़ा कम कुछ मिला मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बता देखिए गैस प्याज हमारी हो चुकी है, इसमें डालेंगे अपन शलजम। देखिए गैस शलजम को अच्छे से मिक्स कर लेना, सही है। देखिए शलजम में अपन डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, इसे मिक्स कर लेना। देखिए अच्छा पुदीना कोथिंबीर डाल लेंगे इसमें। देखिए शलजम में ये फली और फली और तिल का पाउडर है, ये भी डाल देना इसमें। देखिए गैस मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इसमें थोड़ा अपन पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके ढक के रखेंगे इसको। देखिए ये भी गलना रहा था इसलिए बोल के शलजम पूरे अच्छे से गल जा रहा हूँ।
थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करूंगी इसमें। देखिए गाइस थोड़ा सा धनिया पाउडर, देखिए गाइस इसको मैं रखूंगी ढक के। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गैस हमारे डंडे रेडी हो चुके हैं, इसे अब मैं सर्व कर लूँगी। देखिए गैस हमारी डंडों की सब्जी कैसी बनी आप लोग हमें बताना कमेंट करके। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी के संग। देखिए गाइस हमारे शोरबन की सब्जी ऐसी हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह अच्छी सी बन चुकी है। देखिए गाइस हमारे शोर बन की सब्जी रेडी हो चुकी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए गैस ये भी सब्जी रेडी हो चुकी है, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। रोटी डाल लेंगे, तवा गरम है शुरू करेंगे। देखिए गाइस इसको अपना सा तेल लगा लेंगे। फिर इसके मैं रोल बना लूंगी। देखिए हमारी रोटी हो चुकी है, हम डाल लेंगे तवे पे। Thank you.
दो रोटियां हमने भी बता देने। देखिए गैस हमारे रोटी और सब्जी, देखिए डोंडों की सब्जी है, इस शलजम की सब्जी है, ये रोटी है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके बताना। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।